बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सूचना राज्य मंत्री और मुराद हसन को इस्तीफा देने को कह दिया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग के एक नेता ने ही इस आशय की जानकारी दी है। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर ने ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि उनसे कल सुबह तक इस्तीफा देने के लिए कहें, मैंने उन तक संदेश पहुंचा दिया है। कादर ने ये भी कहा है कि टिप्पणियों से इत्तेफाक रखने के इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी निजी टिप्पणी है और उसका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। पेशे से डॉक्टर हसन ने ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती के खिलाफ मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप में ही मंत्री का एक लोकप्रिय अभिनेत्री के खिलाफ भी गलत टिप्पणी करते हुए सुने गए। आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। 7 दिसंबर को किसान संगठन ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। आज ही किसान जो है परेशान है और आज ही सड़क खाली करने के मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सवाल यह है कि क्या अब घर वापसी होगी? कैलेंडर पर तारीख बदल गई है, पर किसानों की घर वापसी का मुद्दा अभी भी वहीं अटका हुआ है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन आगे की राह दिखाई नहीं दे रही है। कल किसान नेता मीडिया के सामने आए और कहा कि सरकार समाधान के लिए गंभीर नहीं है। दरअसल 4 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी थी। कमेटी सदस्य इंतजार करते रह गए, लेकिन सरकार का न्योता नहीं आया। वैसे तो किसानों की 6 मांगे हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून और किसानों से मुकदमे की वापसी और मृतक किसानों को मुआवजे पर भी किसान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार के साथ ही बातचीत की उम्मीद अभी बरकरार है। आज की बैठक में किसान नेता सरकार पर और दबाव डालने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कें खोलने की भी मांग सुप्रीम कोर्ट में करेगा। और इसके साथ ही 21 अक्टूबर को कोर्ट ने किसान संगठनों को याचिका की कॉपी सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर इस तरह की सार्वजनिक सड़क को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता और आंदोलन को करीब 1 साल हो चुका है और कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर जमा हुआ है और सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब नई मांगों के साथ किसान अभी भी बॉर्डर पर जमा है। दिल्ली में नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में ही देरी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी रूटीन और इमरजेंसी सेवा दोनों का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद से बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडारिया के साथ डॉक्टरों की बैठक हुई, लेकिन कोई उचित समाधान पर ना पहुंचने के कारण ही डॉक्टर उनकी अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय ले चुके हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी वहां के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि डॉक्टरों की बैठक पहले भी 27 नवंबर को हुई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शन को लगभग खत्म कर दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतरी और इसलिए हमें इमरजेंसी सर्विस बंद करनी पड़ी थी। बैठक में मौजूद डॉक्टरों के मुताबिक 6 दिसंबर को हुई बैठक में दोबारा मौखिक आश्वासन दिया गया था और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10,000 डॉक्टरों के सिर्फ आश्वासन के जरिए समझाना मुश्किल है, ये भी कहना था, और इसलिए हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बोला है कि हमें लिखित आश्वासन दे। ऐसा लगना चाहिए कि सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। जब तक कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक ऐसे ही स्ट्राइक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शाम तक अपडेट दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल कोई समाधान
ना मिलने तक हड़ताल चलती रहेगी। हम चाहेंगे जल्द से जल्द समाधान निकले, हम समाधान मिलने के बाद ही स्ट्राइक को खत्म करेंगे।